तबे हम मैंने आज जो विरह उत्सव पूज्यपाद आम गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्तिचार स्वामी गुरु महाराज उद्देश्य आम विरह उत्सव पालन करद्देश्य हूँ आज दिन में लीला गुण को आम स्मरण करी कीर्तन करी तांको सहित मिलन हबार प्रचेषा करवा मिलनर सुख आस्वादन करवा यही प्रयास नहीं कि आमे तांकर शिष्य अनुगत माने एकत्रित होती तेणु जहाँ कहली आमर यही करोनार करोना रूपी नागफास बंधन में बांधी ही जे जहाँ जहाँ स्थान आम सब पड़ी रही तेब जो जे थिले आज उत्सव में अंशग्रहण करने आमर जूम मध्यम आम प्रयास होती तेब आम जो वरिष्ठ महाराज मान को आम प्रथम आम चिंता करूले कि जेहेतु कनेक्शन हो पारुनी बर्तमान प्रत्यक्ष भाव उपस्थित थिबा आमर मंदिर वरिष्ठ भक्त गुरुदेव अन्यतम प्रिय शिष्य सन्यासी शिष्य भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज को मु निवेदन करी से प्रथम पूज्यपाद चारु महाराज गुण कीर्तन करेंगे परे परे अन्य भक्त माने कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण जय शिष्य भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमे मु अंतराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघर अन्यतम आचार्य गुरु तथा गवर्निंग बॉडी कमिशनर श्री श्रीमद भक्तिचारु स्वामी महाराज जे कि आम घरे तांकर बपुर परे उपस्थित नाहंती तांकर चरण कमल रे एवं मोर पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद गोविंद स्वामी महाराज तांकर चरण कमल रे एवं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघर प्रतिष्ठाता श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद चरण कमल रे श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी कृपा प्रार्थना कर आमे महाराज किसी गुण कीर्तिवापी प्रयास उपेन्द्र मिश्र प्रभु विरह संपर्क आम मान कि सूचना प्रदान कले भक्त जीवन रे दुख प्रकृत ना जोटा सामाजिक जीवन रे बा साधारण लोक मान जीवन दुख ताहा भक्त जीवन सुख किंतु भक्त जीवन दुख हूँ जितेबले से कृष्ण को भजन करे एवं भक्त जी की दर्शन प्रदान करती गुरु साधु से मानकर अनुपस्थित ताही दुख प्रदान करे कारण से मानक उपदेश से मानकर दिग्दर्शन को पाथेय करके भक्त ही बंची थाए किंतु तांकर उपस्थिति व्यतिरेक कहार दिग्दर्शन आम प्राप्त हो पार तेना यहाँ हूँ जीवन बड़ दुख आउ प्रकृत दुख कौन जीवन भक्तर तेनाज जी कि आम गहन बहु पूर्वर आम सहित संपर्कित थिले एवं आम मान सहित जड़ित थिले एवं समग्र पृथ्वीर
जनसाधारण जहाँ ठार दिग्दर्शन प्राप्त होते वर्तमान तांकर बपुसंग से बपुसंग से वंचित हे श्रील प्रभुपाद जत समग्र पृथ्वी कृष्ण चेतना प्रचार करते बड़े से भगवान कृष्ण को उपरे गुरुत्व दूसरे कृष्ण होंगे भगवान आम को भगवान संपर्क लोक मान विभिन्न प्रकार धारणा थी तेना कृष्ण को गुरुत्व आरोप कर भगवान कहवा श्रील प्रभुपाद महाराज समग्र पृथ्वी यहीटा को ही प्रसार करते कि श्री श्रीमद भक्तिचर स्वामी महाराज तर विभिन्न वक्तव्य आम शुणीचु श्री प्रभुपाद को ही गुरुत्व प्रदान कर संघ हूँ प्रभुपाद आम हूँ प्रभुपाद प्रतिनिधि आम गुरु हूँ श्रील प्रभुपाद तेनालीर प्रतिनिधि मध्यम आम मैंने केवल आदेश को ही पालन कर ये संस्था ये आश्रम ये केन्द्र हूँ प्रभुपाद बहुत क्षेत्र में बहुत जगार बहुत स्थान ये कथा ही से गुरुत्व आरोप कर विशेषकर प्रवचन रुख्य अंशटा हूँ यह मायापुर थे शुणी से कहले जे गौड़ीय मठ जी प्रतिष्ठाता श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की 64 गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा कले सी तर अप्रकट पूर्व किसी दिग्दर्शन तर शिष्य मान प्रदान करदियों तर बहु प्रधान प्रधान शिष्य मान थे तथापि से तांको से भले किसी दिग्दर्शन प्रदान कर जद्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती अप्रकट पर से गौड़ीय मठ विभिन्न विभाग में विभक्त हो गला किंतु अंतराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघर प्रतिष्ठाता श्रील प्रभुपाद महाराज ये अभिज्ञता को जापारे से जिते बड़े कृष्ण चेतना संघ प्रतिष्ठा कले से इस्कन लिखला पर फाउंडर आचार्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद लिखापी से गुरुत्व आरोप कले कारण अंतराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघर प्रतिष्ठाता हूँ श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से जत दिन पर्यंत प्रकट रही निर्देश पालन हम एवं सी जिते बड़े अप्रकट हो जीवे से तांकर जो जीबीसी से प्राधान्य प्रदान कर जीबीसी आदेश ही कार्यकारी हम एवं जो जीबीसी कार्यकारी करुवा हेतु आज अंतराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ में जो कि अघटन घटा कि अपप्रचार कर सेमने दूरे जाउचंती किंतु कृष्ण चेतना संघ बा इस्कन से किसी क्षतिग्रस्त होना इस्कन प्रभुपाद अप्रकट पर बढ़ी बढ़ी चली केवल ये प्रभुपाद जो फाउंडेसन जहाँ ही दृढ़ भाव रही महाराज को प्रभुपाद एत भल पाते जदिओ महाराज जयन कले कृष्ण चेतना संघ बहुत पर जयन कर 1970 मसीह से जदिओ कृष्ण चेतना संघ भक्त मान सहित जोजगर आसने कि 1976 मसीह प्रभुपाद सहित साक्षात है एवं से जोग देवा पूर्व भक्तिरसामृत सिंधु टी प्राप्त होते भक्तिरसामृत स्मृत करी से ये सिद्धांत उपनीत हेल्ले मुक्ति संपर्क गोटे अलग प्रकार धारणा था जे जीवन मुक्ति लाभटा हूँ आम जीवन लक्ष्य किंतु भक्तिर समृत सिंधु पाठ कलापर महाशांत उपनीत हेले जे मुक्तिटा हूँ गोटे कथा नु मुक्ति पांच प्रकार मुक्ति कथा कह चारि प्रकार मुक्ति को बाद दे गोटे प्रकार मुक्ति हूँ बहुत जघन्यतम जोटा कि भक्त ता चाहे ना भक्त ता घृणा कै जदि मुक्त भक्त घृणा कै कि चारि प्रकार मुक्ति को एतटा गुरुत्व आरोप नक नक जो साजुज मुक्ति को कहुई जोटा कि भक्तपी ता बहुत निंदन तेणु ये मुक्ति को भक्त केवल चाहे ना यही कथा को जो सी भक्तिर सामृत सिंधु रु पाठ कले से जापारे जहा प्रभुपाद महाराज भक्तिर सामृत सिंधु टी ताकू अनुवाद कर रूप गोस्वामी से पुस्तक आनी जे मुक्ति संपर्क जो आम मान जो बहु धारणा जो रही जो भ्रमात्मक धारणा ये सिद्धांत जो भ्रमात्मक धारणा से कटिगला एवं तापर से जिते पाश्चात्य जगत थिले विदेश जिते थिले से
से देखिले जे भारतीय संस्कृति प्रति लोक मान विदेशी लोक मान बहुत प्रकार अनेक प्रकार सब धारणा खराब धारणा अच्छे एवं विशेषकर पाश्चात्य देशीय भक्त माने से माने आमर संस्कृति ऐतिह्य संपर्क में प्राय किसी जाणी ना से बेसिदिन न रही पुणी फेरी आसिले हरिद्वार ऋषिकेश सब विभिन्न धर्म संस्था को देखिले जो द्वारा कि इत्यादि उपरे गुरुत्व आरोप करा जाउछि एवं जो मैंने साधु तथा कथित साधु मैंने से सब निशा द्रव्य इत्यादि सेवन करुछंती गंजा रस इत्यादि सेवन करुछंती जद्वारा महाराज बहुत जो साधु तथा कथित साधु मान गोटे खराब धारणा आसला तापर जितेबले कृष्ण चेतन संघर भक्त ईश्वर मान सहित संपर्क आसते भक्तिर सामृत सिंधु पाठ कले कलिकता मंदिर से जितेबले जोग देते भक्तिर सामृत सिंधु पाठ कला दिन स्वप्न में प्रभुपाद महाराज को दर्शन कले जदि प्रभुपाद महाराज साक्षात ही ना से देखिले सिंहासन जड़े महापुरुष बसंट समग्र शरीर ज्योति बाहर एवं से कृपा प्रदान करते जाणिले जे प्रभुपाद जी हूँ मोर गुरु एवं तापर से प्रभुपाद सहित साक्षात करने अपेक्षा कर भेड़ होता प्रयाग ठारे जदिव से मायापुर अपेक्षा करते भवानंद महाराज से सुजोग प्रदान कर नथिले भवानंद महाराज मायापुर कि मंदिर सेवार सुजोग देते कि प्रयाग ठारे जो कुंभ मेला होता से भेट होता एवं प्रभुपाद प्रथम साक्षात पाखे बसईले महाराज तले बसते अन्न मैंने सब भवानंद महाराज तमलाकृष्ण महाराज इत्यादि से सब बसते अन्न सैड्रे महाराज से प्रणाम कर दंडवत प्रणाम कर जोबले भवानंद महाराज नहीं जाते को से महाराज तले बस कि प्रभुपाद को साक्षात कर बहुत नर्भस होते से उपस्थित भक्त सज्जन बृंद एवं मातृवृंद आमर बहुत बड़ दुर्भाग्य समय जे आम आमर परम प्रिय एवं श्री प्रभुपाद परम प्रिय शिष्य गवर्निंग बॉडी कमिशनर गुरु श्री श्रीमद भक्तिचर स्वामी महाराज को आम हरिचे जदिओ जेते बेले ए धारा पृष्ठ रे उपस्थित थांती सेते बेले से कृष्ण भक्ति रे प्रचार करी बद्ध जीव मान को भगवान कृष्ण कर चरण कमल रे अर्पण कर थांती एवं जेते वैष्णव धराधाम त्याग करी भगवान कृष्ण निकट को फेरी जाती सेते से कृष्ण लीला रे सहायक भाव कार्य कर तेणु महाराज जदि आम मान को वर्तमान ये धरा पृष्ठ से छाड़ी नित्य गोलक धाम को यात्रा कर एवं भगवान कृष्ण लीला रे अंश ग्रहण कर एवं ताहा जदियो महाराज एवं समस्त आनंद विषय कारण आमर हूँ जीवन लक्ष्य आम किपरि आमर नित्य धाम गोलक वृंदावन भगवान कृष्ण चरण कमल को फेरी जावा तेबे भौतिक संसार रे भक्त मान जो संग से संग रु वर्तमान आम वंचित हो विशेष भाव श्री भक्तिचर स्वामी महाराज संग रु आम वंचित वर्तमान
वाणी को मन रखा चेष्टा कर संसार भितर अनेक दुख रही तेरे कृष्ण भक्त विरह दुख सब गुरुतर कह जिते बड़े श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा काल राय रामानंद सहित साक्षात करते प्रश्न कर दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर से रामानंद राय उत्तर देते कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं यार से रामानंद राय जो उत्तर था कृष्ण भक्त विरह दुख ठार अधिक दुख प्रकृत पक्षे संसार से सब समय जीव मान को उद्धार करिवार योजना कर प्रकृत बद्ध जीव मान बंधु से ही बद्ध जीव मान सुहृद प्रभुपाद महाराज समग्र विश्व रे कृष्ण चेतना प्रचार करी बद्ध जीव मान को उद्धार करिवार मार्ग प्रदर्शन कर तंकर पदंक अनुसरण करी प्रभुपाद शिष्य माने से माने ये भौतिक संसार रे बद्ध जीव माने जो माने भौतिक कष्ट दुख रे रही से मानको कृष्ण चरण कमल आश्रय ग्रहण करिवार मार्ग प्रदर्शन करी से मानको ये दुख रु भौतिक संसार बद्धावस्था रु मुक्त करने से व्यवस्था कर भक्तिचर स्वामी महाराज से श्रील प्रभुपाद अति प्रिय भक्त जदियो अंतराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ स्थापन शेष बेलू अर्थात 76 मसीह महाराज स्थान जोगदान कले एवं प्राय गोटे वर्ष भीतर से प्रभुपाद व्यक्तिगत सेवक अंतरंग सेवक एवं भारतीय व्यापार सेक्रेटरी भाव में प्रभुपाद सेवा कर प्रभुपाद अति अल्प समय मध्य प्रिय भाजन हो पारे असल प्रभुपाद महाराज गभर विश्वास रही जिते प्रभुपाद महाराज को प्रथम भेटिले अलाहाबाद कुंभमेल जिते बड़े ट्रेन रे प्रभुपाद आसते कलिकता ट्रेन रे साक्षात होता भक्तिचर महाराज सहित जदिओ कुंभमेल महाराज प्रभुपाद को दूर रु दर्शन कर किंतु प्रभुपाद सहित तेणु प्रभुपाद जिते ट्रेन भक्तिचर स्वामी महाराज सहित कथबार्ता हेले से प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते जे जड़े उच्च शिक्षित बंगाली भक्त को प्राप्त है जे कि पुस्तक बंगाल अनुवाद कर तेणु प्रभुपाद महाराज को ये प्रथम आदेश दे ग्रंथ मान इंग्रेजी ग्रंथ मान बंगाल अनुवाद करने सहित प्रभुपाद जिते सब प्रभुपाद निकट को भक्त मान चिठी आसला दायित्व प्रभुपाद महाराज न्यस्त कर महाराज से क्रम प्रभुपाद सानिध्य प्राप्त होते प्रभुपाद कृपा भाजन हो पारे प्रभुपाद ग्रंथ गुड़ को से बंगला भाषा सब अनुवाद करते
से बंगला बेबेट दायित्व में रही सहित महाराज जो प्रभुपाद सान्निध्य प्रेम विश्वास ये सब प्राप्त होते से प्रभुपाद महाराज अति अल्प समय व्यवधान मध्य मात्र तीन चार मास समय मध्य श्रील महाराज को हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा एवं सन्यास दीक्षा प्रदान करते बोध हुए इस्कन एत स्वल्प व्यवधान मध्य क्या तीनोटी जाक दीक्षा दवा आगु संभव ही नाला कि महाराज प्रथम कर प्रभुपाद कृपा प्राप्त होते तेना से जना पड़े प्रभुपाद महाराज के गभीर विश्वास था जैसे सन्यास धर्म रक्षा करें जीवन को भगवान सेवार उत्सर्गीकृत करेंगे तेणु श्री भक्तिचार्य स्वामी महाराज जदिओ प्रभुपाद सान्निध्य अति अल्प समय पर प्राप्त होते किंतु से सान्निध्य थिला अति अंतरंग जहाद्वारा से प्रभुपाद भक्ति संबंधी अनेक कथा आचरण आदि शिक्षा करते तबे जदिओ प्रभुपाद जिते धरादान त्याग भगवत धाम को प्रत्यावर्तन कले महाराज तापर प्रभुपाद बाणी को किपर समग्र विश्व प्रचार करे से राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ ए सोसाइटी रो किपर प्रचार प्रसार हम एवं सोसाइटी रो भक्त माने किपर भाव रे भक्त संघ लाभ करी भक्ति मार्ग रे उत्तरोत्तर उन्नति लाभ करिवे सेतिपाई महाराज प्रयास करथिले मोर मन अच्छे जे महाराज जिते कलिकतार रेनी पार्क रे विविटी दायित्व था सेते चौराशी मसीह प्रथम कर महाराज को दर्शन कली कलिकता मंदिर जदिव मुशी मसीह वृंदावन ईश्वर योगदान करी एवं चौराशी मसीह आम को कलिकता पठा जाता वृंदावन को आम कलिकता मंदिर आस रही से समय महाराज प्रथम दर्शन एवं प्रथम दर्शन रे महाराज जने शुद्ध भक्त एवं तंकर कोमल स्वभाव एवं मधुर व्यवहार स्नेहपूर्ण व्यवहार ताहा मते बहुत आकृष्ट कर एवं महाराज जिते क्लास दिखती क्लास अति उच्च कोटीर था जिते से भगवत कथा कहते शास्त्र ज्ञान अति उच्च कोटीर शास्त्र ज्ञान रही था तेना महाराज प्रकृत पक्षे अति अल्प समय मध्य समस्त को निजर कर जो रीति महाराज निकट से रही से अति अल्प समय समस्त को निजर कर निजर स्नेह प्रदान कर समस्ते महाराज प्रति आकृष्ट होते अवश्य से महाराज गुरु किमा जी से ही नोधे पंचाशी कि छयाशी मसीह महाराज
प्रथम गुरु एवं जीवी से सेतेबेले महाराज प्रथम दीक्षा कलिकतारे देथिले एवं आमे कलिकता मंदिर रे महाराज प्रथम व्यास पूजा उत्सव पालन करथिलु एवं महाराज गुरु जीवी से हवा परे से धीरे धीरे बाहर जाए प्रचार करिबा आरंभ कले तेणु कलिकतार तंकर जो बेस रही धीरे धीरे महाराज बाहर को जीवा परे तंकर से बीबीटी दायित्व छाड़ दे थिले तबे कलिकतार थिबा समय रे महाराजंकर व्यक्तिगत सेवक थिले आ महाराज प्रभुपाद रोसई करथिले महाराज बहुत भल रोष करवा कथा कि महाराज रोष आम के आस्वादन कर मो मन थी महाराज तो बहुत भल रोष करती किपर भल रोष करती आम जाने तेरे थे महाराज अमेरिका फेरुले कलिकता से वन रेनी पार्क रोते आम कलिकता मंदिर रु गाड़ी नहीं आम दुज भक्त जाइलु एयरपोर्ट महाराज को आने तेणु जेहेतु महाराज रेनी पार्क रोते तेणु आम भाविल जे रेनी पार्क महाराज रहीबार व्यवस्था एवं खावा पीबार व्यवस्था सेवक कर अवश्य आमर यह धारणा रही था कि आम सेवक सहित कथा ही नी तेनाली महाराज को एयरपोर्ट रु नहीं आसलु आम सीधा रेनी पार्क गलु महाराज से कि समय तर सब जिन खोल बक्स खोल रखिले सब सेवक महाराज प्रसाद व्यवस्था कर महाराज कहले चलो मंदिर को जाओ आम मंदिर प्रसाद पाए आम जेहेत भाई महाराज रेनी पार्क रही रेनी पार्क प्रसाद पाइबा मंदिर कि प्रसाद व्यवस्था कर राति प्राय नौटा पाखापाखी है आ मु जानी रात नौटा हेल्ला कलिकता मंदिर सब भक्त मान जाते सब लाइट अफ हो जाए महाराज जो कहले मंदिर को आस महाराज मुझे मंदिर को आसल मंदिर आस आम देख लु सब लाइट अफ हो भक्त मान प्रयासगले आम भक्त मान को डिस्टर्ब न कर सीधा गलु डेट किचन को महाराज को आम कहलु बस तेना आम सब निजे महाराज रोष करने सब प्रस्तुत हो महाराज प्रभुपाद जो रूम रे बसता हटात महाराज कौन भाविले से चली आसले किचन आस देखले आम सब प्रस्तुत करुचु परिवा काटुचु महाराज रोष करने महाराज कहले ठीक अच्छे तमें सब पर काट के दिया मुझे बहुत आश्चर्य जो महाराज अमेरिका फेरी बहुत क्लांत ही पड़ते आ सत्वे महाराज बर्तमान कहते रोष करेंगे तेरे आम महाराज कथा रक्षा कर महाराज सब जगे देलु महाराज अति अल्प समय मध्य रोषे आम जो भोग लगे महाराज को बाढ़ गलु महाराज कह ना तुम बाढ़ देखिए तुम मैंने बस बस तेनाली महाराज को दे आम जो बसलु प्रसाद सेवन कलु से प्रसाद अमृत तुल्य मन होते सुंदर होता एत अल्प समय मध्य महाराज रोष कर
ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କାହିଁକି ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ମହାରାଜ କେତେବେଳେ ଏକାକୀ ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କ କଲିକତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ, ଆଉ ମହାରାଜ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5-7 ଜଣ ଭକ୍ତ ସାଥିରେ ଆମେ ଥାଉ, ଏବଂ ମହାରାଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଯେ ହରି ଭକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ହରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ମହାରାଜ ସବୁ ସମୟରେ ଚତୁର୍ବିଧ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ, ଇଏ 4 ପ୍ରକାର ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଗୁଣ ସବୁ ସମୟରେ ରହିଥିଲା। ସବୁ ସମୟରେ ମହାରାଜ କେତେବେଳେ ଏକାକୀ ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତିନି, ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ। ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସ୍ନେହଶୀଳ ଗୁଣ ତା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲା। ଏବଂ ମହାରାଜ ବହୁତ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ତେଣୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କ୍ଲାସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାନ କରନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ଜଗତର ଭଜନ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗପୂତ ଭାବନା, ମହାରାଜ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର, ତେଣୁ ସଂସାରବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେହେତୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବା ଅନେକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜ ନାଁ ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ମହାରାଜ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ସାରା ଜଗତକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାରାଜ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ କିପରି ସଂସାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମହାରାଜ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜୀବନୀ ନାଟକ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ମହାରାଜ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଟିଭି ସିରିଏଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଭୟଚରଣ ଟିଭି ସିରିଏଲ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପ୍ରତି, ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ସେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲେ।
ଏବଂ ତା ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ନାଟକ ଉପରେ ବହୁତ ରୁଚି ରହିଥିଲା। ମହାରାଜ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି 1986 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚଶତ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ତମାଲ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ କରି ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକର ଅନୁକରଣରେ ସେ ନାଟକଟି ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟ ନାଟକ। ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାର ସବୁ ଇତିହାସ ରହିଛି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ସେ ନାଟକକୁ ସେ ନାଟକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା 1986 ମସିହାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚଶତ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିଚାରୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସେ ନାଟକକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ନାଟକଟି ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କଲିକତା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ, ମୋ ସେ ହଲ୍ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ, ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ନାଟକଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ମାୟପୁର ଧାମରେ ସେ ନାଟକଟି ପଞ୍ଚଶତ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାରେ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜିବିସି ହେଲେ ଏବଂ କଲିକତା ମନ୍ଦିରର ଜିବିସି ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଲିକତା ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଆମେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ କରି ଜିବିସି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଏଥର ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାହା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନହୋଇ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଆମେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ସେଠି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ କଲିକତା ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସରେ ବୋଧହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଉଠି 3C ଆଲବର୍ଟ ରୋଡ ପୁରା ବ୍ଲକ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଠାରୁ ପରମିଶନ ଆଣି ସେ ରୋଡକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ବ୍ଲକ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରୋଡ ଉପରେ ପଣ୍ଡାଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କଲିକତା ମନ୍ଦିରରେ ସୀତାବାବୁ ଛୋଟିଆ ଟିଏ ଥିଲା, ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା କଲିକତା ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଆମେ ରୋଡ ବ୍ଲକ କରି ସେଠି ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମହାରାଜ ଚାହିଁଥିଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ନାଟକର ଆୟୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ନାଟକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅଭିନୀତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମହାରାଜ ସେ ନାଟକଟିକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଜ ମହାରାଜଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ନାଟକ ଏସବୁ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହିଥିଲା ଆଗ୍ରହ, କାରଣ ଇଏ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଡାଇରମା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ଠିକ ସେହିପରି ମହାରାଜ ବିଭିନ୍ନ କଳା ନାଟକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
अनेक प्रकार प्रचेष्टा कर गोटे बहुत बड़ प्रचेष्टा उज्जैन रे महाराज जिते उज्जैन गले सेठारे मंदिर स्थापन करने से सरकार जमी प्राप्त हेले से मात्र दस मास मध्य बड़ विशाल मंदिर मार्बल मंदिर गेस्ट हाउस ब्रह्मचर्य आश्रम ये मात्र दस मास मध्य महाराज ये सब निर्माण को समाप्त कर दिले ये हूँ महाराज बहुत बड़ अवदान कृष्ण चेतना आंदोलन ये बड़ केन्द्र मंदिर से उत्सर्ग कले प्रभुपाद सेवाई मात्र दस मास भीतर आम देखु अन्य जो ठारे भी मंदिर निर्माण आरंभ होनेक वर्ष व्यतीत हो गोटे मंदिर को संपन्न करने कि महाराज जो तीव्र इच्छा एवं दृढ़ निष्ठा जहा फल से दस मास मध्य केवल मंदिर नुह मंदिर सहित गेस्ट हाउस ब्रह्मचारी आश्रम आदि सबकि समाप्त करने समर्थ होते तेणु प्रकृत पक्षे महाराज प्रभुपाद कृपा पात्र थिले भगवान कृष्ण कृपा पात्र थिले जहा फल से ये सब कार्य करने समर्थ हो पारे आउ गोटे कथा मुझे देखी महाराज ते महाराज सदा बेले उच्च मना बा महामना थी महाराज केते कौनसी जिनस करने छोटिया भाव चिंता करते जेते बेले से चिंता करते विराट आकार रे करने चिंता करतापर प्रभुपाद महाराज प्रभुपाद महाराज जेते बेले भारत रे थिले अमेरिका जाय न थिले सेते बेले से एक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना आंदोलन गढ़ी तुलिवार परिकल्पना करथिले जदियो तांका निकट रे सेते बेले कौनसी सहायक न थिले कौनसी धन न थिला बा कौनसी प्रकार साहज सहयोग तांका निकट रे न थिला आ प्रभुपाद महाराज जो अमेरिका गले 26 एवेन्यू रे जो स्टोर फ्रंट प्रथम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना केन्द्र स्थापन कले से जदिओ गोटे स्टोर फ्रंट केन्द्र रही किंतु से स्टोर फ्रंट समय रे से गोटे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना आंदोलन परिकल्पना करी से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को रजिस्ट्रेशन कर प्रभुपाद प्रकृत पक्ष ये हूँ बहुत बड़ संजोग आज हूँ से दिन जो दिन प्रभुपाद न्यूयॉर्क रे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को एवं लोक बल नहीं तथापि से एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन स्वप्न देखी थे प्रभुपाद एवं अंतरराष्ट्रीय आंदोलन रे सब देश रे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रे केन्द्र मान रहिबो एपरी परिकल्पना प्रभुपाद थिला और जो परिकल्पना अति अल्प समय मध्य सार्थक हो पार प्रभुपाद जत्किंची जो भक्त मान को प्राप्त है से मानू विश्वर विभिन्न देश को प्रेरण करी सेठारे कृष्ण चेतना आंदोलन भित्तिभूमि स्थापन करने निर्देश दे जहा फल प्रभुपाद एत बड़ चिंता करथिबा हेतु जे भक्त भक्तर इच्छा को भगवान पूर्ण कर शुद्ध भक्त इच्छा भगवान के द्वारा पूर्ण होता है
तेणु प्रभुपाद शुद्ध भक्त थिले एवं से परिकल्पना करथिले एक व्यापी आंदोलन तेणु भगवान कृष्ण प्रभुपाद इच्छा को पूर्ण कले जीवित अवस्था जो 108 मंदिर सर्वशेष मंदिर हूँ भुवनेश्वर ये प्रभुपाद द्वारा स्थापित कृष्ण चेतना आंदोलन अंतिम केन्द्र जदिव प्रभुपाद शिष्य प्रशिष्य मान विश्वर विभिन्न स्थान रे कृष्ण चेतना केन्द्र मान स्थापन कर वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनंद संघ साढ़े 600 केन्द्र रु अधिक केन्द्र मान रही तेरे ये हूँ प्रभुपाद इच्छा इच्छा भगवान सफल कर ठीक से भक्तिचार स्वयं महाराज मध्य जेते बड़े चिंता करती से बहुत बड़ चिंता करती कौन सी गोटे छोट चिंता करती काम चल एपरी चिंता करते तेणु तर से महामाना स्वभाव प्रकृत पक्षे एत बड़ प्रोजेक्ट उज्जैन भाई एत बड़ प्रोजेक्ट कर सफल कर केवल से उज्जैन नुहे वर्तमान महाराज फ्लोरीडे फ्लोरीडे महाराज 120 एकर जगह से फार्म कम्युनिटी तैयारी कर उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठा एवं गोरक्षा गोरक्षार एक उदाहरण प्रस्तुत कर महाराज जो विशाल चेतना कि समग्र विश्व किपरि कृष्ण चेतना आंदोलन परिव्याप्त हो किपरि अधिक रु अधिक बद्धदेव माने भगवान कृष्ण शरणागत हेबे ये थिला महाराज एकमात्र उद्देश्य तंगर कौन से निजस्व कामना नथिला ये हूँ शुद्ध भक्त लक्ष्य ये शुद्ध भक्त निज पाई कि चिंता करेनि जहाँ गुरु कृष्ण चिंता एवं गुरु कृष्ण सेवा पाई शुद्ध भक्त निजर जीवन को उत्सर्ग करें देखा महाराज तंकर समस्त जीवन गुरु कृष्ण सेवा पाई उत्सर्गीकृत थिला एवं शेषे गुरु कृष्ण सेवारे ही से तंकर जीवन उत्सर्ग से वीडियो देखते जो थे महाराज कहते से कहीं अमेरिका यात्रा कर जदि उज्जैन भक्त मान चाहे महाराज कि महाराज भावुले आम भक्त मान से रही आदि से असुविधा नेतृत्व रही भक्त मान को विपद मध्यम को ठेले देवा से चाहती तेणु से निजे मध्य से भक्त मान साथी रहा चाहती तेरे जहा आम भौतिक संसार रे आमर जन्म कर्म बा जन्म एवं मृत्यु ये आमर निश्चित जन्म सहित मृत्यु निश्चित ही आ जे आम के परिस्थित आम शरीर त्याग करवा पूर्व निश्चित आम बदल पार ते आम गोटे पर गोटे दिन भौतिक
आम जेतिक दिन पर्यंत ए भौतिक संसार रहीचे सेतिक दिन पर्यंत आम किपरि आम जीवन को गुरु कृष्ण सेवा उत्सर्गीकृत करवा से आम जीवन व्रत हवा आवश्यक। जदिओ महाराज वर्तमान नहांती शारीरिक भाव आम सम्मुख जदि आम बापू सेवा कर सुजोग बर्तमान प्राप्त हो पारानी किंतु बापू सेवा ठार बाणी सेवा हूँ अधिक गुरुत्वपूर्ण। तेणु महाराज जो उपदेश महाराज जो इच्छा ताकू जदि आम बुझिपार ठीक भाव हृदय ग्रहण कर आम महाराज आदेश को पालन कर महाराज इच्छा को पूर्ण कर प्रकृत पक्षे महाराज चरण से से आम प्रकृत श्रद्धांजलि। गुरु विरह दुख हवा स्वाभाविक तेणु ये दुख मध्यरे मध्य आम गुरुदेव लीला गुण आदि एवं बाणी ताको आम बारंबार श्रवण करवा बारंबार स्मरण करवा एवं जदि आम जीवन रे आम जत्किंचित गुरुदेव बाणी को सफल रूपायित करने आमर जीवन को उत्सर्ग करमर जीवन प्रकृत पक्ष धन्य हो। तेणु मुझे समान भाव चाहूनी अनेक भक्त मान प्रतीक्षा कर नारायण सम्बन्ध में कहवापी तेणु आम ए परिस्थित धैर्य हरान रही आम दुख हवा स्वाभाविक किंतु धैर्य हरा नही आम किपर महाराज बाणी को निज जीवन पालन करेषा कर हरे कृष्ण नमो विष्णु पदाय कृष्ण वेशाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद गोस्वामी ति नामिने नमो विष्णु पदाय कृष्ण वेशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशवादिने उपस्थित भक्ति भक्ति गौरव नारायण महाराज को मोर सशब्द दंडवत प्रणाम जनाऊँ उपस्थित समस्त भक्त मान को वरिष्ठ भक्त मान को मध्य मोर विनम्र दंडवत प्रणाम। आज ये प्रोग्राम रे जोड़ा पाई मते उत्साहित करथिबा उपेन्द्र मिश्र प्रभु को मध्य मोर सशब्द दंडवत आशा करे आदर ग्रहण करिवे। हमें आज इस्कन रो अन्यतम उज्जवल तारका तथा आचार्य श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज को शुभ ब्रज विजय एकादशतम तिथि तांकर किछि गुणकीर्तन करिवाकु जाउछु। या आम मानक पाई एक मंगलमय तथा मंगलमय कथा कारण वैष्णव गुणगान करिले जीवे रत्न यही आशा करी ये अधम किसी गुणगान करने को चेष्टा कर आशा करे उपस्थित श्रोतागण त्रुटिजनित दोष क्षमा करेंगे। तेणु शास्त्र कहते ईश्वर जन्मतिथि जेहन पवित्र वैष्णव से ही मत तिथि चरित्र भगवान आविर्भाव जे प्रकार आम मानी मंगलमय होता है जीवपाई मंगलकर होता है से प्रकार जन शुद्ध वैष्णव भक्त आविर्भाव तीर भाव मध्य मंगलमय कारण भगवान आविर्भाव तिथि जेपरी जीव मान मंगलमय और पवित्र जन शुद्ध भक्त
आविर्भाव तिरभाव से प्रकार पुण्य तथा पवित्र होता है। आज जदिओ बापू शरीर आम आ दर्शन करना किंतु तांकर पवित्र उपदेश मध्यम सबु समय आम मान पाखे उपस्थित था बुझा सुंदर कृष्णमुखी बाणी सुललित कृष्ण कीर्तन पवित्र उपदेश को श्रवण कर आमर अवशिष्ट समय को अतिवाहित करने को पड़ो। आमर जड़े उत्कल भक्त कवि एक मथुरा मंगल ग्रंथ रे उल्लेख करछंती कृष्ण कथा भाली गोपी सकल गुण सुमरी हुंती विकल। तेणु सबुबेले आमने से जो गुरुदेव महान गुरु वैष्णवंकर बाणी की स्मरण करी तांकर उपदेश को बारंबार अनुशीलन करी कि प्रकार आमर परवर्ती जीवनचर्या भक्ति पथरे आम चलवा से आग्रह एवं श्रद्धा रहा आवश्यक। आम जदिओ भक्तिचार्य स्वामी महाराज गुरुदेव बपू संग किसी दिन लाभ कर क्रमान्वे प्राय 77 मसीह मोर इस्कन छाड़िया पर्यंत प्राय 1986 पर्यंत मु प्रतिवर्ष अंततः थरे तांकर दर्शन रो शुभ अवसर मते प्राप्त होइथाय ए अधम को प्राप्त होइथाय कारण मु जेतु आमर इस्कन रो अन्यतम आचार्य परम वैष्णव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज पाखरे सेवक हिसाब से रहुथिली तेणु प्रतिवर्ष गुरु महाराज जिते बड़े मायापुर जो दूर बा गौर पूर्णिमा समय जाती आम ट्रेन में जा कलिकतार ओल्लैपर आम से जो महाराज पाखे जा रही था से जो महाराज कहते ना वन ए रेनी पार्क अपोजिट यूनियन कार्बाइड से घर छोट घर टेन से रो था सेठिक आम जा प्रथम से आम गुरु महाराज तर स्नान शौच एवं महाराज गुरु महाराज प्रसाद व्यवस्था करते